मेरा नाम पंकज पाटीदार है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। एक्चुअली मुझे क्या है कि काफ़ी समय से बैक पेन का प्रॉब्लम था। ये करीब मुझे सन 2014 के आसपास पहली बार मुझे पेन हुआ था। तो मैंने डॉक्टर्स को काफ़ी बताया, तो उन्होंने काफ़ी MRIs भी करवाई, तो मुझे उन्होंने बताया कि आपका L4, L5, L5S1 में स्लिप डिस्क है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिंस प्रेस्क्राइब की और बेड रेस्ट के लिए किया। मैंने ये सब करके देखा, लेकिन ग्रेजुअली पेन क्या थोड़ा कम हो जाता, लेकिन थोड़े समय बाद वापस वो पेन मुझे हो जाता। ऐसे करते करते मैंने काफ़ी साल निकाल दिए। फिर मुझे साल 2018 में भी इसी तरह का पेन, वापस सीवियर पेन एक बार हुआ। फिर मैंने उसकी MRI करवाई, फिर न्यूरोलॉजिस्ट को बताया, तो उन्होंने भी वापस वही ट्रीटमेंट उसी तरह से जो पहले कर रहे थे, उन्होंने इसी तरह से उन्होंने उस ट्रीटमेंट को किया कि झुकना नहीं है, बेड रेस्ट करना है। इस तरह से मैंने कहा ये इस तरह से, तो जब हम सर्विस में थे तो हम कितने दिन रेस्ट करेंगे और ये सब चीज़ें कितने दिन तक होंगे। ऐसे करते करते सर टाइम निकलता गया। फिर साल 2020 में दिसंबर में मैं थोड़ा टूर पर कहीं गया था, तो वहाँ से जब वापस आया तो मुझे काफ़ी सीवियर पेन ही वापस फिर से चालू हो गया। तो वही मैं वापस डॉक्टर्स के पास गया, फिर उसी तरह से ये सब चलता रहा। अचानक एक दिन मैंने डॉक्टर हरप्रसाद सर का टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका कुछ ऐड था, वो मैंने देखा। तो वो मैंने उनके साइट पे जाके जब मैंने सर्च किया, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट्स अपने बताए हुए थे, जिसमें वो लेज़र थेरेपी और कुछ स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन से इसका इलाज करते हैं, जिसमें आपको सर्जरी कराने का कोई ज़रूरत नहीं है और विदाउट सर्जरी से ये सब चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी डॉक्टर्स से जब मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा यदि आपका नहीं होता है ये सही, तो हम इसके लिए आपको फिर सर्जरी के लिए रिकमेंड करेंगे। तो मुझे एक्चुअली सर्जरी करानी नहीं थी। मैंने सर के बारे में जब सुना और फिर मैंने उनसे जब बात की, अपनी रिपोर्ट्स भेजी, तो सर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें सर्जरी जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट मेरे पास करा सकते हैं और करीब आपको 6 महीने मेरे पास आना पड़ेगा, हर महीने 5 दिन का सीटिंग रहेगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर, ऐसा लेजर से ये पॉसिबल है। ये जो टेक्नोलॉजी शायद एक्चुअली राजस्थान में तो मैंने कहीं किसी के पास नहीं देखी। हाँ, एक दो लोगों के जो सुना है, लेकिन उनके पास कुछ छोटा मोटे लेजर की जो मशीन्स हैं वो लेके उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा सर ने मुझे बताया कि ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये शायद और कोई यूज इंडिया में नहीं कर रहा है, वन एंड ओनली यही इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे अपॉइंटमेंट लेके मैं जुलाई में यहाँ आ गया था। फिर जब मैंने इनको सब बताया, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ट्रीटमेंट चालू करते हैं और आपको 6 महीने यहाँ आना पड़ेगा। तो सर मैं करीब 6 महीने से सर के पास आ रहा हूँ और ये करीब मेरा 38 सिटिंग के आसपास होने आई है। तो मैंने ग्रेजुअली फर्स्ट मंथ से ही इसका इफेक्ट देखना चालू किया। एक्चुअली मुझे पैरों से चलना दुश्वार हो गया था, मैं जैसे पैर जमीन पर रखता तो मुझे काफ़ी दर्द होता, रात को करवट लेके सो नहीं सकता था और बैक में बहुत भयंकर पेन लगता। तो ग्रेजुअली उसका इफेक्ट मुझे करीब दूसरे महीने से धीरे 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 उसका इफेक्ट मुझे चालू हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो भी इस ट्रीटमेंट में है, अपन को लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये जो लेज़र का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा टाइमिंग है, थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। यानी आदमी ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, ये 10-15 दिन में सही हो जाएगा। एक्चुअली जो सर ने मुझे समझाया उस हिसाब से ये थोड़ा टाइम लगता है, नर्व्स जो है डैमेज हो जाती हैं इसमें, जो अपन को पैर तक नीचे तक अपन को तलवे तक अपन को जलन रहती है, वो धीरे धीरे नर्व डैमेज हो जाती है, वो वापस रिजनरेट होती हैं और डिस्क है वो ऑटोमेटिक रिफिल होना चालू कर देती है। इस हिसाब से डॉक्टर साहब का ये ट्रीटमेंट रहा है। तो मुझे अब काफ़ी आराम आ गया है, करीब 80-90% तो मैं अब आराम से चल पाता हूँ, बैठ सकता हूँ,
ठीक है, कभी कभार थोड़ा मसल्स का पेन आता है, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसकी कुछ आप एक्सरसाइज जो बता रहे हैं वो थोड़ी आपको कंटिन्यू करेंगे, तो वो थोड़ा आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन होता रहेगा और एक समय बाद आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी। तो मैं तो उन सभी लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों को इस तरह की बीमारी है, उन्होंने काफ़ी अपने ट्रीटमेंट्स करा चुके हैं, तो वो अपना ऑपरेशन का ना सोचें और एक बार डॉक्टर पराप्रसाद से कंसल्ट करें, और यदि वो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट इससे पॉसिबल है तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग आइए और उनसे एक बार अपना सलाह मशवरा करके इस ट्रीटमेंट को लीजिए। थैंक यू।